हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं, जो कि हमारे पास निकल कर आई है आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जी हां दोस्तों, यह वैकेंसी है APPSC ग्रुप 4 रिक्रूटमेंट 2022, जिसे कि 6 जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है वह सारे ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। साथ ही इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात किया रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। एप्लीकेशन मोड दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है। वहीं पोस्ट नेम की बात कर ली जाए तो इसमें वेरियस पोस्ट होंगे। जूनियर असिस्टेंट इन प्रिजंस एंड करेक्शनल सर्विस डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इन प्रिजंस एंड करेक्शनल सर्विसेज डिपार्टमेंट के लिए एक पोस्ट है। टाइपिस्ट इन वुमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है। टाइपिस्ट इन सेरिकल्चर सर्विस के लिए एक पोस्ट है। स्टेनो या टाइपिस्ट इन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए एक पोस्ट है, जबकि जूनियर स्टेनोग्राफर इन लेबर डिपार्टमेंट के लिए एक पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 6 है। सैलरी की बात किया तो 25,220 रुपये से लेकर 80,910 रुपये पर मंथ तक की सैलरी आपको मिल जाएगी। वहीं एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो जनरल या अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए इसे 18 से 42 साल रखा गया है, जबकि BC या EWS कैंडिडेट के लिए इसे 18 से 47 वर्ष रखा गया है। वहीं SC ST कैंडिडेट के लिए इसे 18 से 52 वर्ष रखा गया है। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो जूनियर असिस्टेंट इन प्रिजंस एंड करेक्शनल सर्विस डिपार्टमेंट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने बैचलर डिग्री कर रखा है इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट स्टेनोटाइपिस्ट या जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जिन कैंडिडेट्स ने बैचलर डिग्री कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया के और उन्होंने गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जामिनेशन पास कर रखा है टाइपराइटिंग में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर बात किया दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की तो ये कम्प्लीटली बेस्ड होगा रिटन टेस्ट पे और फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पे। एप्लीकेशन फी दोस्तों जनरल या अदर कैंडिडेट के लिए 250 रुपये प्लस 80 रुपये रखा गया है, यानी टोटल आपको 330 रुपये पे करने होंगे। जबकि SC ST BC PH और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये रखा गया है। जॉब लोकेशन दोस्तों आंध्र प्रदेश ही होगा। इस फॉर्म के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 29 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगी, जो कि 19 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। अगर बात किया दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए कैसे आवेदन करोगे तो इसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करते ही दोस्तों आप हमारे वेब पेज पर चले आओगे, जहाँ पर सारे डिटेल्स को पढ़ने के बाद आपको लास्ट में 4 इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यह पहला लिंक पे क्लिक करके हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है, जहाँ पर भविष्य में आने वाली किसी भी नई वैकेंसी की जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुँचा पाएंगे। उसके बाद आपको यह तीसरा लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद लगता है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो फिर ये लास्ट लिंक पर क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमसे पहले से ही जुड़े हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।